यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे विलियम मिलर के बारे में। इनका जन्म 15 फरवरी 1782 में हुआ था। इनका मृत्यु 20 दिसंबर 1849 में हुआ था। इनका शहर था पिट्सफील्ड, इनका देश था अमेरिका और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अमेरिका में किया था। मिलर एक अमेरिकी बैप्टिस्ट उपदेशक थे जिन्होंने एडवेंट सिद्धांत के लिए प्रेरणा दी है। वे अपने परिवार की वित्तीय समस्या के कारण किसी भी औपचारिक शिक्षा को पूरी नहीं कर सके। एक ईसाई परिवार में पैदा होने पर भी उनकी गरीबी ने उन्हें तटस्थेवरवाद के रास्ते पर ले गया। सन 1812 में जब इंग्लैंड में और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और जल्द ही एक कप्तान के रूप में पदोन्नत हुआ। हालांकि उस युद्ध के हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से युद्ध से बच निकले। इस परिणाम ने उन्हें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के में परमेश्वर के हाथ का एहसास करवाया। सेना से छुट्टी मिलने के बाद मिलर ने खेती करना शुरू किया, लेकिन परमेश्वर और मृत्यु के बाद जीवन पर सवाल उन्हें परेशान करते रहे। सन 1816 के एक रविवार को मिलर मसीह की क्रूस पर उपदेश सुनकर परमेश्वर के प्रेम के प्रति अस्वस्थ हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए मिलर ने अपना हृदय परमेश्वर के हवाले कर दिया। उस दिन से उन्होंने उत्साहपूर्वक बाइबल का अध्ययन शुरू किया और अपने अन्य तटस्थेवरवाद मित्रों के साथ वो अपने विश्वास की घोषणा की। वे जिस चर्च से एक समय पर नफरत करते थे उसी चर्च से जुड़कर वहां की पादरी की सहायता करना शुरू किया। सन 1831 में उन्होंने फैसला किया कि अगर परमेश्वर उनके लिए सेवकाई का द्वार खोलते हैं तो वे पारदर्शकता के साथ उनकी सेवा करेंगे। मिलर के उपदेश मुख्य रूप से प्रभु के दूसरे आगमन पर केंद्रित थे और उन्होंने कलीसिया को उसी की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभु के दूसरे आगमन की उनकी व्याख्या चर्चों में बड़ी भीड़ आकर्षित करती थी और लोगों में परमेश्वर का भय उत्पन्न करती थी। वे अपने जीवन काल के दौरान प्रभु के दूसरे आगमन का बेसब्री से इंतजार किए। मिलर मसीह के लिए एक उत्साही सैनिक थे। उन्होंने अथक अमेरिका के कई हिस्सों की यात्रा की और धर्मोपदेश दिए और सैकड़ों चर्चों की स्थापना की। वे एडवेंट चर्च की स्थापना के लिए कारण थे। आज दुनिया भर में इसकी कई शाखाएं हैं जिनके द्वारा कई लोग प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। प्रिय मित्र, क्या आप प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? प्रभु, मुझे आप अपने दूसरे आगमन के लिए खुद को और दूसरों को तैयार करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।